हेलो स्टूडेंट्स, क्या तो तारिक सर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेशंस के बारे में, डिस्कस कर रहे हैं और कैसे इनको इवेल्युएट करते हैं, कैसे डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। मेक श्योर अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ही जल्द हम पहुँचने वाले हैं 10,000 सब्सक्राइबर के मार्क पर, तो आप भी हमारी इस जर्नी में हिस्सा बने। एक्सप्रेशन है क्या? सो एक्सप्रेशन इट इज़ अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या है? इट इज़ अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? ऑपरेटर्स का, लिटरल्स का और वेरिएबल्स का एक वैलिड कॉम्बिनेशन है। ऑल्सो इट कैन हैव वन और मोर ऑपरेटर्स, इट कैन हैव वन और मोर ऑपरेटर्स विद ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स। देखो, एक एक्सप्रेशन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑपरेटर होगा, हो सकता है कि उसमें एक ऑपरेटर हो, एक से ज्यादा ऑपरेटर हो, यानी कि मल्टीपल ऑपरेटर जो है वो आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं एक एक्सप्रेशन के अंदर। नाउ अब जिस एक्सप्रेशन में आपके मल्टीपल ऑपरेटर होते हैं, क्या होते हैं? इसमें आपके मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर एग्जिस्ट करेंगे, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इसमें एग्जिस्ट करेंगे, इसको बोला जाएगा कंपाउंड कंपाउंड एक्सप्रेशन। क्या बोला जाएगा इसको? हम बोलेंगे बेटा दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड एक्सप्रेशन। ओके, नाउ अब एक बात ध्यान से समझना, बेस्ड ऑन किस चीज पर? हम इस चीज के बेसिस पर कि हमारे एक्सप्रेशन में किस टाइप का ऑपरेटर यूज हो रहा है, हम अपने एक्सप्रेशंस को कैटेगराइज करेंगे। क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहला है दैट इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। सबसे पहला क्या है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। देखो, बहुत ही इजी बनाते हैं हम टॉपिक को कैसे उसको समझ के। तो अब क्या है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में? क्या होगा? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज में आ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इट विल बी नोन एज योर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब अर्थमेटिक में क्या क्या हो सकता है? दैट इज इसमें आपके नंबर्स आएंगे, दैट इट इन्वॉल्व्स इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड योर अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज रिलेशनल एक्सप्रेशन, दैट इज रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो अब रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होगा बताओ? अरे भैया बहुत आसान है। देखो भैया, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स आ रहे हो वो क्या होगा उसको हम बोलेंगे, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके रिलेशनल ऑपरेटर आ रहे हो इसको हम बोलेंगे रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन है रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो एग्जाम्पल समझ लो, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, एक्स लेस देन डबल इक्वल्स टू वाई, एंड देन वी हैव एक्स डबल इक्वल्स टू वाई, देन वी हैव एक्स इज लेस देन वाई लेस देन जेड, एक्स डबल इक्वल्स टू वाई लेस देन जेड। क्या बात समझ में आ गई? आया नहीं आया? ओके, आ गया, वेरी गुड। नंबर थर्ड वी हैव दैट इज लॉजिकल एक्सप्रेशन, दैट इज। तो बताओ फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा? भैया लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं उसको हम बोलेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन बोला जाएगा। ओके, तो इसके एग्जांपल समझ लो आप, दैट इज ए और बी, एंड ए एंड बी एंड इट्स नॉट ऑफ सी, या ऐसे हो सकता है ए एंड नॉट ऑफ बी और नॉट ए और सी, इस तरह से अपने जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स जो अपने एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज योर एक्सप्रेशन इज नोन एज लॉजिकल एक्सप्रेशन।
नेक्स्ट इज नंबर फोर, दैट इज स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस, दैट इज स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। यानी कि जब आप अपनी स्ट्रिंग में क्या करोगे, जब आप अपनी स्ट्रिंग में सॉरी जब आप अपने एक्सप्रेशन में स्ट्रिंग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हो तो उस स्ट्रिंग को हम, उस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। अब स्ट्रिंग ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका कंकैटिनेशन, दैट इज प्लस। दूसरा होता है आपका रेप्लिकेशन, दैट इज रेप्लिकेशन ऑपरेटर। ओके, कंकैटिनेशन क्या करता है? इट ऐड टू स्ट्रिंग्स, ऐड टू स्ट्रिंग्स एंड इट मल्टीप्लाइज द स्ट्रिंग बाय अ नंबर। यानी कि देखो, अगर आप रेप्लीकेट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर लाइक मैंने लिख दिया लाइक मल्टीप्लाई बाई टू, सिंपली क्या करेगा, इट विल बी एज लाइक एंड लाइक। यानी कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स उस स्ट्रिंग को आप रेप्लीकेट कराना चाहते हो, ये हम रेप्लीकेशन ऑपरेटर की हेल्प से करते हैं। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ रही है तो इसको लाइक कर देना, लेक्चर लाइक हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? लाइक हो जाना चाहिए। चलो अब इसके बाद एक बात समझ लो ध्यान से, देखो अब हम सीखेंगे इवेल्युएट करना। क्या सीखेंगे हम? इवेल्युएट करना सीखेंगे एक्सप्रेशंस को, कैसे इनको इवेल्युएट किया जाता है, दैट इज इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशंस। देखो इवेल्युएशन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट इवेल्युएटिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अब देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर के ना कुछ रूल्स हैं, पहले मैं तुम्हें रूल बता रहा हूँ और बस मेरी बात सुनते ही आना, सब तुम्हें क्लियर होता चला जाएगा। देखो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एक्सिक्यूशन जो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन ऑपरेटर का प्रेसिडेंस। अब ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है मैंने बताया था, मतलब कि अगर कभी एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल आपके ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद लेस प्रायोरिटी वाला आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, चीज़ें याद आ रही हैं? हाँ भैया याद आ रही है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आपके ऑपरेंड आता है, ठीक है, फिर हमारा आता है ऑपरेटर, देन वी हैव ऑपरेंड। अब इस केस में क्या है कि ये जो ऑपरेंड है आपके, क्या है ये जो आपके ऑपरेंड हैं, ये पहले सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट योर ऑपरेंड विल बी सॉल्व, योर ऑपरेंड विल बी इवेल्युएटेड। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि एज अ, देखो हो सकता है अगर कहीं लिखा है दैट इज टू, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है और फिर आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है यहाँ और यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन नंबर टू है, तो पहले हम इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि हमें लास्ट में एक सिंगल वैल्यू मिले, ताकि हमें लास्ट में एक सिंगल वैल्यू मिले, यहाँ से एक सिंगल वैल्यू यहाँ से मिले और ऑपरेटर, फिर हम इस ऑपरेटर को दोनों वैल्यू से परफॉर्म कर रहे होंगे। बात समझ में आई? ओके नाउ अब क्या है, अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है टू परफॉर्म एनी इम्प्लीसिट कन्वर्जन, एनी इम्प्लीसिट कन्वर्जन। अब देखो इम्प्लीसिट कन्वर्जन का मतलब क्या होता है ध्यान से समझ लो। इम्प्लीसिट कन्वर्जन का मतलब होता है कि स्मॉल डेटा टाइप से बूल से इंट में कन्वर्ट करना एंड इंट से फ्लोट में कन्वर्ट करना, ठीक है। स्मॉल डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में कन्वर्जन करना, इसको हम कहते हैं इम्प्लीसिट कन्वर्जन। और ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है, ये क्यों किया जाता है, अपने डेटा को बचाने के लिए, ठीक है, टू अवॉइड द डेटा लॉस, ये चीज़ें हम करते हैं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट विल बी दैट इज कंप्यूट द रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट आएगा इस एक ऑपरेंड का, इसका रिजल्ट निकालो, कंप्यूट द रिजल्ट एंड रिप्लेस द सब एक्सप्रेशन। यानी कि यहां पर जो भी आपका रिजल्ट आया उसको यहां पे लिख दो। ओके ओके देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज
रिपीट द प्रोसेस, रिपीट दीज स्टेप्स टिल फाइनल रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड, टिल योर फाइनल, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट आपको नहीं मिलता है तब तक आपको ये प्रोसेस करते जाना है, करते जाना है. ओके नाउ अब जो टॉपिक हमारा आया था इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन वो पहले पढ़ लेते हैं. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन देखो, इट इज कॉल्ड द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन और कन्वर्जन बाई कंपाइलर फ्रॉम अ डेटा टाइप टू अनदर अनदर टू अवॉइड डेटा लॉस, टू अवॉइड डेटा लॉस. ओके सो दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन. ओके अब ये बात समझ लो इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन कैसे कैसे होता है. देखो अगर आपका एक आर्गुमेंट, इफ योर एक आर्गुमेंट आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स है, क्या है, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो आपका सेकेंड जो है वो भी आपका बेटा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाएगा, सेकेंड भी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा. इफ अगर तुम्हारा एक आर्गुमेंट फ्लोट है, कैसा है फ्लोट, तो आपका सेकेंड भी फ्लोट में कन्वर्ट किया जाएगा. ठीक है, अगर इफ बोथ आर सेम, अगर आपके दोनों के दोनों सेम डेटा टाइप के हैं, देन नो कन्वर्जन विल टेक प्लेस, देन नो कन्वर्जन विल टेक प्लेस, देन नो कन्वर्जन विल टेक प्लेस. बात समझ में आई या नहीं आई. जैसे देखो एज इक्वल टू 6.2+4, तो इस केस में बेटा क्या होगा, इस केस में ये तो आपका फ्लोट है, ये तुम्हारा इंट है, तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा पहले फ्लोट में. सो जो एक्चुअल एक्चुअल जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा दैट इज 6.2+4.0, दैट विल बी इक्वल टू 10.2, दैट विल बी इक्वल टू 10.2 होगा आपका आंसर. ओके बात समझ में आई, अरे आया नहीं आया. चलो नेक्स्ट इज दैट इज सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट यू विल लर्न दैट इज इवेल्युएटिंग रिलेशनल दैट इज इवेल्युएटिंग रिलेशनल रिलेशनल एक्सप्रेशन. तो देखो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक बार ध्यान रख रही है कि जितने भी आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं, जितने भी आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं, इनका जो प्रेसिडेंस है, इनका ऑपरेटर, इनका प्रेसिडेंस इज लो, किसके कंपेरिजन में, इन कंपेरिजन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इन कंपेरिजन टू इन कंपेरिजन टू अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे रिलेशन ऑपरेटर, इनका प्रेसिडेंस कम है. इसका मतलब ये है कि अगर एक एक्सप्रेशन में रिलेशन ऑपरेटर आ जाता है और अर्थमेटिक आ जाता है तो प्रेफरेंस आपको अर्थमेटिक वाले ऑपरेटर को देनी पड़ेगी. ओके अब ये बात और समझ लो कि रिलेशनल एक्सप्रेशन की दो ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, दैट इज आइदर इट कैन बी ट्रू, या तो ये आपका ट्रू होगा या फिर इट कैन बी अ फॉल्स. ओके या तो ये आपका ट्रू होगा बेटा या फिर ये आपका फॉल्स होगा. ओके ओके अब सपोज ये वाला एक्सप्रेशन इज लाइक दिस, तो पाइथन क्या करता है, पाइथन इसको ट्रीट करता है इन पार्ट्स, पाइथन ट्रीट्स इट इन पार्ट्स, दैट इज वी कॉल इट एज आर्बिट्री, आर्बिटेरिटी, आर्बिटेरिटी. इसका मतलब है पाइथन इसको ट्रीट करेगा ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब आपका जो ओवरऑल है द रिजल्ट विल बी ट्रू इन दिस केस.
तभी आपका जो है ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। बात समझ में आई? अरे आया नहीं आया यार? अरे भैया आया, बहुत बढ़िया। चलो सो नेक्स्ट इज दैट इज यू विल लर्न हाउ टू इवेल्युएट इवेल्युएटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशंस। व्हाट वी विल लर्न इवेल्युएटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशंस। अब देखो लॉजिकल एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करते हैं, ध्यान से समझ लो। दैट इज लॉजिकल होते हैं हमारे एंड और नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुन लो। अगर कभी भी एंड और नॉट आपको एक साथ मिल जाते हैं तो नॉट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, फिर उसके बाद आपको एंड को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद और को प्रायोरिटी देनी है। ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है, हाईएस्ट टू हाई टू लो। हाई टू वो लो आपका क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। और इसमें भी आपकी एक बात समझ लो कि जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं हैज लो प्रेसिडेंस देन, लो प्रेसिडेंस देन अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के कंपैरिजन में आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इनकी प्रायोरिटी क्या है, कम रहेगी। क्या रहेगी? कम रहेगी। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट समझ लो। देखो अगर कभी भी आप और को इवेल्यूएट कर रहे हो, किसको, अगर आप कभी और को इवेल्यूएट कर रहे हो, सो इन और इवेल्यूएशन पाइथन ओनली इवेल्यूएट्स द सेकेंड आर्ग्यूमेंट। ओनली इफ द फर्स्ट इज फॉल्स। द फर्स्ट इज फॉल्स यानी कि अगर आपका आपके दो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। क्या है फर्स्ट और सेकेंड? और सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है क्या है बेटा, सेकेंड आर्ग्यूमेंट, अगर आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ट्रू हो गया तो सेकेंड चेक नहीं किया जाता है, अगर फर्स्ट फॉल्स है तभी आपका सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है वो चेक किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड इन एंड इवेल्यूएशन, अगर हम एंड की बात करेंगे, किसकी बात करें, अगर हम एंड की बात करेंगे, इफ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फॉल्स हो गया, इफ फर्स्ट इज फॉल्स, इफ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज फॉल्स देन, इफ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज फॉल्स देन इट विल नॉट चेक सेकेंड आर्ग्यूमेंट। अगर आपका पहला आर्ग्यूमेंट फॉल्स है तो वो सेकेंड आर्ग्यूमेंट को चेक नहीं करने वाला है। क्यों नहीं चेक करेगा? बिकॉज उसे पता है कि अगर एंड में आपको एक फॉल्स हो जाएगा तो ओवरऑल आंसर आपका फॉल्स ही होता है। ओके ओके द नेक्स्ट इज टाइप कास्टिंग। वॉट अब देखो टाइप कास्टिंग होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब है दैट इज द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड टू अ स्पेसिफिक टाइप टू अ। अगर आपको किसी का भी डेटा टाइप चेंज करना है अपने हिसाब से, अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो हम इसी प्रोसेस को कहते हैं टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग करते कैसे, बहुत सिंपल है। दैट इज डेटा टाइप, डेटा टाइप एंड एक्सप्रेशन। ओके सो इट विल बी योर इंट ऑफ बी, इट विल बी ऑफ int of b। अब जैसे आप स्टार्टिंग में आप इनपुट कराते हो तो वो भी हमारा क्या होता है, दैट इज ऑल्सो टाइप कास्टिंग। int of input फंक्शन आप जब लिखते हो तो क्या कर रहे हैं हम, जो भी हमारा डेटा टाइप हो रहा है, बिकॉज स्ट्रिंग हमारी क्या करती है, इट गिव्स अस इन स्ट्रिंग, ठीक है, और स्ट्रिंग से हम कन्वर्ट करते हैं अपना इंट में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? इंट में कन्वर्ट करते हैं। ओके सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस।
इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट पाइथन स्टैंडर्ड मॉड्यूल. टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर विद योर स्कूल फ्रेंड्स, कोचिंग फ्रेंड्स, ठीक है, सबके साथ शेयर करो और मेक्स उनको भी बोलो कि चैनल सब्सक्राइब करें. आपको ऐसे ही वीडियो चैनल पर मिलते रहेंगे.